अनिल कुंबले के इस्तीफे के बाद टीम इंडिया के नए कोच की तलाश शुरू हो गई है। बीसीसीआई ने नए कोच के लिए आवेदन मंगवाए हैं। नया कोच चुनने का जिम्मा सचिन, गांगुली और लक्ष्मण की तिकड़ी पर है और इस तिकड़ी वाली सीएसी आवेदकों के अलावा भी ऑप्शन पर नजर बनाए हुए है और ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री की एंट्री की राह आसान होती नजर आ रही है। रवि शास्त्री ने क्रिकेट नेक्स्ट के हवाले से ये साफ कर दिया है कि वो इस मामले पर सिर्फ बीसीसीआई या सीएसी से बात करेंगे। अगर उन्हें गारंटी दी जाती है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच की नौकरी उन्हें ही सौंपी जाएगी, उस सूरत में ही वो टीम इंडिया के हेड कोच के लिए अप्लाई करेंगे। शास्त्री ने कहा कि कोच पद के लिए कतार में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। गौरतलब है कि टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए वीरेंद्र सहवाग, टॉम मूडी, रिचर्ड पाइबस, लालचंद राजपूत और डोडा गणेश ने अप्लाई किया है। शास्त्री की शर्त के बाद इन लोगों की राह आसान नहीं होगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।